तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह का PMCH में आज इलाज के दौरान निधन हो गया। ये घटना 13 जनवरी के पटना साहिब गुरुद्वारा कैंपस आवास की है, जहां सुबह के 8 बजे वो अपने ही कमरे में संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ मिले थे, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस घटना के बाद से ही पटना साहिब गुरुद्वारा की सुरक्षा में BMP के 14 कांस्टेबल के साथ कई सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई थी। पटना साहिब गुरुद्वारा में संदिग्ध अवस्था में मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह का गर्दन में कृपाण से सुसाइड करने का मामला 13 जनवरी को प्रकाश में आया था, जिसके बाद पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह तो सूत के उठे, हमारा संतरी महोदय गए, बोले कि ग्रंथी साहब डेट कर गया। क्या नाम है सर ग्रंथी साहब? राजेंद्र सिंह नाम है। कहाँ इलाज चल रहा था सर? PMCH में उन्हें देखे तो नहीं जाते, लेकिन गेट पर ड्यूटी में थे तो वहाँ गए तो राजेंद्र बाबू के छुरी गड़ गया तो लेके गए लोग PMCH। क्या घटना घटी थी सर 2 दिन पहले, क्या जानकारी मिली थी गुरुद्वारा में? गुरुद्वारा में जानकारी मिली थी कि अपने चक्कू से उनको गड़ गया, बस इतने जान। अनुसंधान में क्या रहा है सर? सामने परिजनों से बात की है, क्या लग रहा है? बाहर से गेट बंद रहने की बात सामने आई थी। वो तो जैसे थाना के जो आए हैं वो पूरा बतला सकते हैं, केवल बयान लिए थे, हम तो बयान लिए नहीं है। थाना चौक थाना से आए थे, हम तो बयान नहीं लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा तो गोवर्धन पासवान नाम है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।